ये दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द भूमिहार महिला समाज। लेकिन ये क्या है? ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। जैसे ज्ञान भवन में एग्जिबिशन लगता है या फिर कहीं और जगह एग्जिबिशन वगैरह लगाता है, वैसा यहाँ ही स्टार्ट हुआ था। 26 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, बट क्या था कि हम सो बेसिकली आपको मैंने बता दिया है कि ये यहाँ पे महिला हाट क्यों लगाया। और आप देख रहे हो कि जितने भी स्टॉल्स लगे हुए हैं उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टॉल्स तो ये हमारा क्राफ्ट एज का है, जहाँ पे आपको कैंडल्स वगैरह मिल जाएंगे, पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ केयर सारा प्रोडक्ट है। ये आपको 150 का पड़ेगा, काफी। प्रथम उद्देश्य यही है कि महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। सो ये है स्टॉल नंबर 32, आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिल जाएगा और ये रहने वाला है हमारा कल तक ही, 28 जनवरी तक ही लगेगा। हाँ जी, और नमस्ते केम छोटे सा, कैसे आप लोग? मैं पाकी कौशिक, फिर से आज की नई वीडियो लेके आप लोग के सामने। लोकेशन आपको बाद में बताएंगे, सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मैं अभी कहाँ आई हूँ। महिला हाट पंख, ठीक है, ये एक एग्जीबिशन लगा है यहाँ पर, और इस एग्जीबिशन में जस्ट लाइक जैसे ज्ञान भवन में एग्जीबिशन लगता है या फिर कहीं और जगह एग्जीबिशन वगैरह लगाता है, वैसा यहाँ पे एग्जीबिशन लगा है। चलिए चल के आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या क्या लगा है इस एग्जीबिशन में और कौन कौन से लोग आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। डेट की बात की जाए तो ये कल ही स्टार्ट हुआ था, 26 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, बट क्या था कि हम आ नहीं पाए। आज हम आ रहे हैं तो आज 27 जनवरी और एनी हाउ आज ही इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे कि आप लोग कल आ सके। तो ये संडे तक चलने वाला है, तो संडे को आप आके आराम से इंजॉय कर सकते हैं, जो भी आपको लेना हो ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नाम बताइएगा मैम। मैं अमरावती सिंह। अमरता, आप भूमिहार महिला समाज की कार्यकारिणी सदस्य हूं। ओके, और ये जो फीट आप देख रही हैं हम लोगों का दूसरा साल लगा है और ये दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द भूमिहार महिला समाज। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि भूमिहार महिला समाज की ही औरतें या लोग यहाँ पे हैं। अच्छा। सारे कास्ट के लोग का यहाँ पे लगा हुआ है स्टॉल और सभी लोग यहाँ जितने लोग भी घूमने आए हैं सभी लोग परचेज कर रहे हैं। तो सिर्फ ऑर्गेनाइजर भूमिहार महिला समाज है, बाकी यहाँ पे सभी तरह के लोग हैं। सभी तरह के लोग हैं। तो मतलब कितने साल से ये स्टार्ट चल रहा है? इसका दूसरा साल है। ये दूसरा साल ऑर्गेनाइजेशन का 5वां साल है, लेकिन हम लोग का जो महिला हार्ट का पंख है ये दूसरा साल, ये दूसरा साल चल रहा है। तो इसमें लगभग कितने स्टॉल वगैरह होंगे? अभी तो मैम इसमें 65 स्टॉल्स है। ओके, तो ये बेसिकली क्यों स्टार्ट किया गया है? एक्चुअली हम लोग काफी सोशल वर्क करते हैं, तो इसका तो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए। आप देख रहे होंगे कि जितने भी स्टॉल्स लगे हुए हैं उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टॉल्स जो है वो महिलाओं के द्वारा। हाँ जी, इसलिए मैं जाना तो चाहती हूँ। हमारा बहुत प्रथम उद्देश्य यही है कि महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। ओके, तो आपसे कोई भी महिला जुड़ सकती है? कोई भी महिला। तो आपसे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस वगैरह होगा? कोई प्रोसेस नहीं है, बस हमारे नंबर पे आप डायल करें और हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच इतना बताने के लिए। सो बेसिकली आपको मैंने बता दिया है कि ये यहाँ पे महिला हाट क्यों लगाया और ये दूसरे साल लगा है। तो आपको अब जरा सैर करवा देते हैं यहाँ के स्टॉल वगैरह का, कि स्टॉल वगैरह में क्या क्या लगा है। और सिंगल स्टॉल में आप आइएगा तो आपको देखने को मिल सकता है फ्रूट सेक्शन, ठीक है। ये हमारा वॉलनट्स है, ये पैकेट्स वगैरह में कितने का मिलता है? ओके, कश्मीरी मसाला, ये कैसे पैकेट मिलता है? ये वाला पड़ेगा 600 रुपए। 600 का? ये क्या केजी है? केजी के हाफ केजी है? ये हाफ केजी का है, ये 1 केजी का है ना? हाँ, तो ये 600 का हाफ केजी का होगा। आइए, ये है 1800 का है। ओके, और ये नॉर्मल जो है ये वाला है? हाँ, ये भी 1800 का। क्यों ये 1800 का? क्यों ये अच्छा है? ये अच्छा है, अच्छा ये अच्छा है इसीलिए। इसमें भी अलग अलग क्या है? अलग अलग होता है। अच्छा, मतलब हम लोग को पहले लगता था कि अखरोट अखरोट बस तोड़िए खा जाइए, उसमें भी अलग वैरायटी होता है, 4-5 क्वालिटी का आता है। अच्छा, 4-5 क्वालिटी का आता है। ये फर्स्ट स्टॉल आपको, सेकंड स्टॉल आपको यहाँ शॉल वगैरह है। आपको वॉलनट वगैरह लेना है, कुर्ती वगैरह लेना है, आप ले सकते हैं। साथ में आगे बढ़ने पे आपको वही सेम आपको ड्रेसेस वगैरह मिल जाएगा, फैशनेबल आपको कुर्ती टॉप्स वगैरह मिल जाएंगे, आपको डिजाइनर कुर्ती मिल जाएंगी, साड़ीज मिल जाएंगी, साथ में कुछ खाने पीने का भी आपको यहाँ मिलने वाला है। तो देख सकते हैं चाट वगैरह चल रहा है एंड इधर आपको मिल जाएगा कुछ मोमोज का है, ब्राइडल सेक्शन है खाने पीने का, यहाँ आपका बफे सिस्टम लगा है। तो इस स्टॉल में आपको थोड़ा एथनिक वेयर टाइप मिल जाएगा, इस टाइप का सूट वगैरह साड़ी वगैरह आपको यहाँ से मिलने वाला है। साथ में कुछ पेंटिंग का शीट्स वगैरह मिल जाएगा। तो ये हमारा क्राफ्ट एज का है, जहाँ पे आपको कैंडल्स वगैरह मिल जाएंगे, हमारे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें मिलने को है। तो जल्दी जल्दी आइए, यहाँ पे भी यूनिक यूनिक चीज मिलने वाली है आपको। होम डेकोर का सामान मिलने वाली है, होम डेकोर का सामान भी बहुत सुंदर सुंदर यूनिक है, ऐसा लग रहा है क्रिएट किया गया है। ये आपको फ्रेम्स वगैरह मिल जाएगा उस टाइप का, ये आपको ऑन वगैरह दिखने वाली है। नेक्स्ट स्टॉल है हमारा ये, यहाँ भी आपको ज्वेलरीज वगैरह आइटम्स मिल जाएंगे।
सब हैंडमेड है, सब हैंडमेड ज्वेलरीज वगैरह देखने को मिल जाएंगी। तो ये है स्टॉल नंबर 32, आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए ये इनका पोस्टर है, तो ये थोड़ा न्यू है और यूनिक भी है, तो थोड़ा इसका डिटेल हम इनसे ही पूछते हैं, बताते हैं कि क्या है। हेलो मैम, क्या नाम हुआ आपका? नमस्ते, मैं विभा रांची से आई हूँ। महिला पंक हाट में शामिल हुई, अपना स्टॉल लगाई हूँ। मैं साउथ कोरिया की कंपनी से जुड़ी हुई हूँ, उसकी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और मेरे पास पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ केयर सारा प्रोडक्ट है। ये केवल आप यहाँ, मेरा मकसद सेल करना नहीं है, मेरे को लोग को बताना है हेल्थ अवेयरनेस या जो भी कहें, हर तरह से। डीप क्लींजर ये क्लीन करता है स्किन को डीपली लास्ट लेयर तक। उसके बाद इसका सेकेंड प्रोडक्ट है ये फॉर्म क्लींजर, ये पिलिंग जेल है जो डेड स्किन को हटाता है। आप जो स्क्रब करता है जो आजकल मार्केट में, तो उसमें कुछ खुरदरा चीज होता है जिसकी वजह से हटाता है, ये इसमें सॉफ्ट चीज है, आपके स्किन को डैमेज ही नहीं करेगा। ये पील ऑफ मास्क, ये मास्क लगाइए, आधा घंटा के बाद सूख जाता है, उतारिए, आपका ब्लैक हेड हटेगा, स्किन को टाइट करेगा, व्हाइट हेड हटेगा, ये बहुत सारा। तो ये पूरा कंप्लीट सेट ये है, सारा हमारा पर्सनल केयर पे हो जाएगा। हाँ। तो ये सबका प्राइस कैसे है? इसका दाम पड़ता है 3300 रुपया, और ये एक सेट से आपका लगभग 18 फेशियल होता है। और उसके बाद दो प्रोडक्ट आपका इसमें जो कम मात्रा में यूज होता है वो है ये फॉर्म क्लींजर और ये पीलिंग जेल। तो इसको फिर दो ट्यूब साथ में करती है और से 18, यानी 4500 में आपको लगभग पड़ जाएगा, 36 फेशियल होगा आपका। हेल्थ सप्लीमेंट ये है हीमोइन, ये क्या है? ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर आपका इम्यून सिस्टम सही होगा तो आप सारे बीमारी से, कोविड अपने आप में कोई बीमारी नहीं था, आज भी सर्दी खांसी हो रहा है और वो हमेशा होता रहेगा, लेकिन अगर इम्यूनिटी सही होता है तो हम लोग सर्वाइव कर जाते हैं। इम्यूनिटी सही नहीं होता है तो हम लोग करोड़पति से करोड़पति लोग कोरोना के टाइम में हॉस्पिटल जाके भी बच नहीं पाए, और जिसका इम्यूनिटी सही था वो अगर बहुत कम लोग बजट वाले भी थे तो वो सर्वाइव करके ठीक हो गए बिना मेडिसिन लिए भी, बस पौष्टिक आहार लेके। तो कोविड के बाद ये अभी भी चल रहा है? नहीं, ये ओनली कोविड के लिए नहीं है। चा? ये आप गाड़ी में घर जाने के लिए सेफ्टी के लिए जो हेलमेट लगाती है, लाइफ को सेफ्टी से जीने के लिए है। अच्छा। ये कोई भी यूज कर सकता है, किसी को भी जरा एज लिमिट नहीं है इसमें? कोई नहीं, कोई एज लिमिटेशन नहीं है। हम लोग इसको 10 साल के बच्चों को भी देते हैं। इवन मेरा बेटा है 15 साल का, उसको अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा था दीपावली में, हम उसको दिए, इस बार उसको अस्थमा में, उसको इस बार इनहेलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक आंटी है, उनका लंग्स फेल कर गया था, डॉक्टर जवाब दे दिया था कि ले जाइए, कुछ लोग ऑक्सीजन पे ही रहेंगी। आज वो आंटी अगर मेरे पास होती तो मात करा देते आप लोगों को, उनके पास जाके मिलते हैं, कितनी खुश है, उनका लंग्स काम करे, वो एक टाइम भी ऑक्सीजन नहीं लगाती है, ये उनके इसका देन है। अच्छा। और वो डायबिटीज भी फ्री हो गई है, वो डायबिटीज का मेडिसिन नहीं ले रही है। ये तो बहुत, तो आप लोग जो भी देख रहे हैं, अगर ये नया चीज है इंडिया में, बट आप लोग ना डाउट की नजर से देखने के बजाय ना गूगल पे सर्च कीजिए, सबको इसके नाम को देखिए और गूगल पे सर्च कीजिए और मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। सो इस नंबर पर जल्दी आप कॉल करके एडवाइस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि ये क्या है, किस तरह से यूज होता है, कितना सही है, या जो भी आपके मन में क्वेश्चन वगैरह है, डाउट्स वगैरह है, सब आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये हमारा सारा प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, इतने सारे प्रोडक्ट, इसमें आपको पर्सनल केयर भी आ सकता है, होम केयर भी आ सकता है, सारे चीज है। आप आराम से पूछिए, बात कीजिए और डिटेल लीजिए और उसके बाद परचेज कीजिए। तो ये आप लीवर के प्रोटेक्शन के लिए कोई भी ले सकता है और अपने डाइट में शामिल किए, प्राइस भी बहुत कम है। थैंक यू सो मच इतना बताने के लिए, डिटेल देने के लिए, और आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझोगे तो इनका नंबर आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे, तो आप समझ जाइए और इनसे आप कांटेक्ट करके पूछ भी सकते। तो देख सकते हैं ये सुबह ही स्टार्ट हो चुका था और आपको अभी आगे देखने को मिलने वाला है बहुत सारा, घर को डेकोर करने वाला पॉट, ये तुलसी वाला गमला एंड और भी चीज है, पॉट्स वगैरह है, घर को डेकोर करने का आइटम्स आपको यहाँ बहुत मिलने वाले हैं। तो देखिए किसी को गिफ्ट वगैरह करना हो उसके लिए काफी बढ़िया है, कर सकते हैं। साथ में क्यूट क्यूट सा छोटा सा मग, वो कितने का आएगा छोटा सा मग जो है, छोटा सा जो मग वगैरह है, फेस बना हुआ है, 150 का है। तो देख सकती हूँ तो दिखाइएगा, ये देखिए ये आपको 150 का पड़ेगा, काफी क्यूट सा है मग, बच्चों के लिए काफी बढ़िया रहेगा गिफ्ट करने के लिए, 150 में आपको ये मिल जाने वाला है। सो उधर देखिए कला एवं शिल्प महाविद्यालय है, जस्ट उसके सामने मिलेगा आपको लेडी स्टीफेंस ग्राउंड छज्जूबाग पटना, और ये रहने वाला है हमारा कल तक ही, 28 जनवरी तक ही लग रहने वाला, टाइमिंग 10:30 से 7:30 बजे तक है। इधर से आप देख सकते हैं, इधर भी रास्ता बता देते हैं, ये हमारा पटना म्यूजियम है, पटना म्यूजियम से थोड़ा आगे बढ़ेगा, उसके आप लेफ्ट साइड मुड़िएगा तो इधर से आपको ये रास्ता मिलने वाला है। तो लास्ट में बोल सकता कहूँगी ना कि एड्रेस जानने के बाद जरूर आइएगा, जल्दी जल्दी आइएगा और
देखिएगा क्या क्या है, एक बार विजिट करके एक बार जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि महिलाओं लोगों के लिए लगा है और खासकर भूमिहार महिला समाज के द्वारा ही लगाया गया है। और ऐसा ही है कि सिर्फ भूमिहार लोग ही मिलेंगे, बाकी लोग भी मिल जाएंगे आपको महिलाओं में। तो आइए एक बार विजिट कीजिए और वीडियो को आप ना भर भर के टाइप दीजिएगा और अच्छे से शेयर कीजिएगा और यहाँ पे जरूर आइएगा एक बार विजिट कीजिएगा देखने के लिए। कल संडे है, कल भर ये लगे रहने वाला है, तो आप लोग जल्दी जल्दी आइए और ऐसे ही प्यार से फूड बना के रखिए। बाकी देखने के लिए थैंक यू सो मच।